अहमदाबाद हो, सौराष्ट्र हो, हर जगह पे। तो आज हमने ये तय किया कि हमारे बोरीवली में, वैसे तो बोरीवली ये शहरों में एक शहर है, और नवरात्रि के समय तो ऐसा लगता है कि मानो दिवाली है, और गुजरात, राजस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र सभी जगहों से लोग बोरीवली आते हैं। वैसे तो बोरीवली में आना नवरात्रि के समय में, मैं हर गली में, हर कोने में अंबे माँ का उत्सव जोर शोर से मनाया जाता है। अंबाजी धाम के दो मंदिर, एक पूर्व में एक पश्चिम में, और हमारे सभी लोग, जिसमें गुजराती है, मारवाड़ी है, सिंधी है, मराठी है, सभी लोग अंबे माँ का उत्सव, अंबे माँ की प्रार्थना अपने मन से, अपने भाव से, अपने प्रेम से, जिंदा दिल से करते हैं। और मैंने तो बोरीवली ऐसा देखा है कि जब 2019 में मैं बोरीवली आया, वैसे बोरीवली का शहर, शहरों का शहर बोरीवली ये हमारे लिए नया नहीं था, लेकिन उस समय नवरात्रि चल रही थी, धाम दूर से लोग यहाँ पर, बहुत सारे लोग, बहुत सारे कलाकार जिनके नाम का जिक्र मैं नहीं करूँगा, लेकिन आप सबको पता है, सभी अच्छे अच्छे कलाकार जिन्होंने नवरात्रि के माध्यम से अपने खुद के परिचय दिया और अपने व्यक्तिमत्व को इतना बड़ा किया, ऐसे सभी प्रतिभावान व्यक्तियां, तुम्हें धीरे धीरे आगे बोलते नहीं तो आगे जाओ, और इसके लिए ये सभी प्रतिभावान व्यक्ति है जो बोरीवली में आती है, अपने कला से लोगों के साथ 9 दिन ये कार्यक्रम होता है। और इसके लिए हमने किंजल दवे को क्यों चुना, बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रश्न किए कि किंजल दवे को ही क्यों चुना। वैसे तो आपने देखा होगा कि सुनील रणे या अथर्व या फिर हमारे मित्र परिवार, हम पूरे देश भर में अलग अलग सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सैनिकों के सम्मान का सबसे बड़ा देश का कार्यक्रम अगर इस देश में कोई करता है तो हमारा अथर्व फाउंडेशन करता है। और जब किंजल दवे को क्यों चुना यह प्रश्न आया, तो मैं भी थोड़े दिन के लिए विचार कर रहा था कि ये ऐसे कैसे हुआ, मैंने भी निर्णय कैसे लिया। 2-3 नाम पहले से चल रहे थे बोरीवली में, 4-5 लोगों की गरबा की चर्चा होती थी, प्रवीण भाई की एक पीढ़ी और ज्ञानेश की दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, विपिन शाह की पहली पीढ़ी, तो आयुष की दूसरी पीढ़ी, ये सभी गुजराती, और बीना बेन की लड़की, ऐसे अलग अलग लोगों से जब मैंने चर्चा की तो नाम आया किंजल दवे। तो मैंने एक मेरे मित्र है समान कॉर्पोरेशन इंडिया चाहते है, उनको मैंने गुजरात भेजा, तो गुजरात से वो जब लौटे तो जैसे भजन लाल हेरी के वैसे इन्होंने किंजल का भजन शुरू किया कि किंजल दवे को बुलाना है, किंजल दवे को बुलाना है। और इसका मैं और मेरी पत्नी वर्षा रानी हम चर्चा करते थे कि ये कैसे होगा, बड़े बड़े प्रतिभावान व्यक्ति बोरीवली आते हैं, अच्छे अच्छे कलाकार हैं जिन्होंने 20-25 वर्ष तक अपना नाम बनाया है, लेकिन वो सभी लोग बोरीवली आते हैं, बोरीवली का महत्व क्या है, तो बोरीवली की ये भूमि पावन भूमि है, और ये बोरीवली की भूमि में जो प्रतिभावान व्यक्तियों ने अपने कला से इस डांडिया रास को सींचा है, ऐसे बोरीवली में पहले बार प्रवेश करने वाली है किंजल दवे गुजरात। और इसका उदाहरण मैं पिछले 3-4 दिनों से मेरे कामों में व्यस्त था, लेकिन अभी जब यहां पर मैं और वर्षा जी बैठे थे तो 3 नए पीढ़ी की युवतियां हमारे पास आई, इधर गई, तीनों इधर इधर है,